आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। नालंदा में अपराधियों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। लूट छिनतई की घटना जिले में आम बात हो गई है। ताजा मामला राजगीर थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार की शाम बाइक सवार बदमाशों ने सर्फ व्यवसायी से 2 लाख और एक लैपटॉप की लूट कर ली है। पीड़ित थाना क्षेत्र के नई पोखर निवासी कुणाल कुमार हैं। घटना के संदर्भ में कुणाल कुमार ने बताया कि बीती शाम गिरियक राजगीर रोड बाईपास किनारे अपने सर्फ फैक्ट्री में काम बंद कर घर लौट रहे थे। उसी दरमियान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के डाक बाबा के समीप पीछे से आए 2 मोटरसाइकिल पर 4 हथियारबंद बदमाशों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया और हथियार के बल पर लैपटॉप का बैग को छीन लिया, जिसमें लैपटॉप के अलावा 2 लाख रुपए भी रखे हुए थे। इसके अलावा वो शोर मचा पाते तब तक सभी बदमाश तेजी से बाजार की ओर निकल गए। घटना के बाद पीड़ित लूट की शिकायत करने थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ 2 लाख रुपए एवं लैपटॉप लूट की शिकायत दर्ज कराई है। राजगीर थाना अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। सीसीटीवी में कुछ संदिग्धों को देखा गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।